दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे घूमर के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की फिल्म घूमर बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को कई क्रिटिक्स से अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले। इस फिल्म में शबाना आजमी और अंगद बेदी भी नजर आए हैं, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने कैमियो किया। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को आर बल्की ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने चीनी कंपा, पैडमैन, चुप जैसे बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। जब घूमर का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब डेविड वॉर्नर, राशिद खान, अजिंक्य रहाणे, सौरभ गांगुली जैसे कई क्रिकेटर्स ने फिल्म की तारीफ की थी। आर बल्की के फिल्मों के कंटेंट काफी अच्छे होते हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस में उनकी फिल्में कुछ खास नहीं चल पाती। उनकी पिछली फिल्म चुप थी जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म जैसे तैसे बस एवरेज हो पाई थी। दोस्तों अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 300 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया तो ओवरसीज में लगभग 150 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 450 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 13 करोड़ है। वहीं बात करें फिल्म की कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में लगभग 82 लाख का नेट कलेक्शन किया, तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया। इस फिल्म ने ओवरसीज में तकरीबन 20 लाख का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अपने पहले दिन में लगभग 1 करोड़ 40 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। घूमर के सामने गदर 2 जैसा तूफान है, ओ माय गॉड 2 भी लगी हुई है और राखी और रानी की प्रेम कहानी भी चल रही है। उसके बावजूद फिल्म ने अच्छी खासी ओपनिंग की है, जबकि खुद को क्वीन कहने वाली कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ ने बस 50 लाख की ओपनिंग ही की थी। दोस्तों अगर बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की तो दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने दूसरे दिन में इंडिया में लगभग 1 करोड़ का नेट कलेक्शन करने जा रही है। जिन जिन लोगों ने ये फिल्म देखा है उनसे अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 9.8 रेटिंग मिले। हो सकता है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाए और ये फिल्म कम से कम अपना बजट रिकवर करके एवरेज हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।